हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग सिंह्स यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रामलाल आनंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है आरएलए की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। तो इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं और पोस्ट का नाम आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसमें टोटल एक वैकेंसी है और ये वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी होगी लेवल 10 की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी 56,100 से 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ की। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की। इसमें भी एक वैकेंसी है और ये वैकेंसी भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी होगी लेवल 6 की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी 35,400 से 1,12,400 रुपीज़ पर मंथ की। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की। इसमें भी एक वैकेंसी है और ये वैकेंसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। इसकी भी सैलरी होगी आपकी लेवल 6 की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, जिसमें 5 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है और एक वैकेंसी एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। इसकी सैलरी होगी आपकी लेवल 4 की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी 25,500 से 81,100 रुपीज़ पर मंथ की। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें भी एक वैकेंसी है और ये पोस्ट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। इसकी भी सैलरी आपकी होगी लेवल 4 की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है, जिसमें एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, एक एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, 3 वैकेंसी इसमें ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है और एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी होगी लेवल 2 की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी 19,900 से 63,200 रुपीज़ पर मंथ की। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है, जिसमें इसमें 6 वैकेंसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, 3 ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है और एक वैकेंसी इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट के बारे में। तो इसमें लास्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट के। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, जिसमें 2 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, 2 ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है और एक वैकेंसी इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें भी आपकी सैलरी होगी लेवल 1 की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ये सभी पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। इसके बाद बात करते हैं स्टार्टिंग डेट क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो इसमें स्टार्टिंग डेट है 30th दिसंबर 2021 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24th जनवरी 2022। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो इसमें आप यहाँ एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़। एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 250 रुपीज़ और इसमें पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 32 में। इसके अलावा आपको किसी भी मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है। तो वापस आते हैं वेबसाइट में। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। इसमें आप यूज़र गाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसमें सभी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दिए गए हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करनी है, अपने फॉर्म कैसे फिल करना है, सब कुछ इसमें क्लियर दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर देख लें। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स और इसकी एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास बी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में।
या फिर आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास एमसी होना चाहिए, प्लस आपके पास एक साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। अब बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपके पास किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी होनी चाहिए, इसकी भी मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी की क्वालिफिकेशन के बारे में, इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद रेलिवेंट सब्जेक्ट। एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। इसके बाद बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास, प्लस आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में, या फिर मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 27 इयर्स। इसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 30 इयर्स। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट यानी लेबोरेटरी अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से इसे डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।